करुणावर मैत्री के स्थापक देवाधिदेव महाकालुनी तथागत सम्यक संबुद्ध करोड़ों दिलों के हृदय सम्राट विश्व के मसीहा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, प्यारे बच्चों, हम लोग जहां भी जाते हैं तो केवल धम्म की बात करते हैं। अभी भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में वर्षावास चल रहा, वर्षावास की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, लेकिन क्या सचमुच हम धम्म मानते हैं, जानते हैं? पहली बात तो बुद्ध जी ने जो हमको धम्म दिया सारे विश्व को, पावन पवित्र मार्ग दिया, सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी, उन्होंने शांति की, मैत्री की, करुणा की, न्याय की, सत्य की, समानता की और स्वतंत्रता की शिक्षा दी। सही मायने में देखा जाए तो हम सूत्र पठन करते हैं, वंदनाएं करते हैं, पंचशील त्रिशरण बोलते हैं, लेकिन वो हमारे आचरण में नहीं उतरता। यदि हमारे आचरण में धम्म त्रिशरण पंचशील उतरता तो हमारी ये स्थिति नहीं होती, क्योंकि बुद्ध ऐसे है, बुद्ध व धर्म विश्व में महान है, सर्वश्रेष्ठ है। जब हम पांच पंचशील का पालन नहीं करते हैं तो 22 प्रतिज्ञा कहां से जानेंगे? इसलिए कभी आप सोचते होंगे, मैं जब भी आती हूँ तो प्रकृति का नियम और कुदरती कानून की बात करती हूँ, क्योंकि बुद्ध ने केवल प्रकृति, विश्व का विधान, निसर्ग का नियम और कुदरत का कानून जो सब पर एक जैसा लागू होता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता, अपना और पराया का भी भूल जाता है और प्रत्येक कार्य को अपना ही समझकर करता है। इसके उनका यह कार्य सच्चाई, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा से आरंभ होकर पूर्ण होता है। उनके इस कार्य से सर्वत्र सुख एवं शांति की स्थापना होती है। प्रकृति का नियम और कुदरत का कानून सारा का सारा बुद्धि का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है और स्वयं तपने का मार्ग है। इसलिए धम्म अपने आचरण में धारण करना चाहिए, क्योंकि धम्म जब तक हम आचरण में नहीं उतारेंगे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सारा संसार धम्म धम्म को विश्व कहे, धम्म धम्म को विश्व कहे, धम्म न सर्जे को, धम्म पर जो चले मंगल हो गया नहीं। इसलिए जो व्यक्ति या महिला, जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का, विश्व के विधान का, निसर्ग के नियमों का और कुदरत के कानून का पालन करता है तो उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति आगे आकर करती है, वह दुखों से मुक्त हो जाता है, सारे बंधनों से छूट जाता है और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत मुदिता और अनंत समता से भर जाता है। निर्मल चित्त व्यक्ति किसी को खाली नहीं
हम लोग सोचते हैं कि एससी एसटी के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं। मेरे पास कल ही कम से कम 10 वीडियो ऐसे आए होंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर ऐसा अन्याय क्यों होता है। मैं नीचे लिख के भेजती हूँ, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर इसलिए अन्याय अत्याचार होते हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर भगवान बुद्ध का धम्म नहीं है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान नहीं है। भारत के संविधान में हमारे लोगों के लिए अनेक नियम और कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो नियम और कानून दिल्ली के संसद भवन में धूल चाट रहे हैं। यहाँ वल्लभ भवन है, सतपुड़ा भवन है और विंध्याचल भवन है, उनमें वो धूल खा रहे हैं। यदि इन नियमों का और कानूनों का पालन होता तो हमको कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। आज हम लोग दूसरों की बातें करते हैं, आज आप लोगों को भी मालूम होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हो। आज एक महीना पहले एक वीडियो आया था, उसमें लिखा है कि अभी तो के संविधान में बहुत से लोग आईएएस बने, आईपीएस बने और अन्य पदों पर बैठे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उनके माथे पर सूत्र है, ऐसा लिखा जाएगा। ये वीडियो मैंने करीब करीब मेरे मोबाइल में जितने नंबर है करीब करीब 500-600 नंबर होंगे, लेकिन उसका किसी ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब लगता है कि हमारे लोग आज भी सोए हुए हैं। और आज हम मैं ये नहीं देखती कि हमारे पास पैसे है, ये लोगों की धारणा है। मैंने ये कहा था और कहती हूँ, आज भी कहती हूँ कि हम लोगों ने नौकरियां किया, यहाँ के जितने लोग बैठे हुए हैं बहुत से लोग नौकरी वाले हैं, तो नौकरी में क्या होता है, कुछ पैसे हमको जो मिले रिटायर पर तो वो भाई, लेकिन मेरा एक उद्देश्य होता है कि जो आज हमारी युवा पीढ़ी है, बच्चे है या लड़कियां, उन्हें 1-1 हजार की 5 हजार की नौकरी नहीं मिलती है, इस पर गौर करना चाहिए, ये कहती हूँ। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, उनका तो एक ही उद्देश्य था कि मेरे समाज के लोगों को मुक्ति दिलाना है, जब तक मैं इनको मुक्ति नहीं दिलाऊंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया और हमको दुर्गति को समाप्त किया और हमको जीवन जीने का उत्तम मार्ग बताया। क्या हम वाकई में ना बाबा साहब के बताए मार्ग पर और बुद्ध जी के मार्ग पर चलते हैं? अभी वर्षावास में सभी लोग बुद्ध और उनका धर्म, उनके प्रचार के प्रसार की शपथ लेते हैं, क्या वो सत्य है? बस यहाँ बोलते हो, घर में जाकर भूल जाते हो, यही प्रतिज्ञा आपके भीतर होती तो ये ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती है। मैं तो एक महाराष्ट्र की थी, जब मैं यहाँ आई नौकरी में तो मैं भी बहुत बड़ी पोस्ट पर नौकरी नहीं करती थी, एक साधारण पोस्ट पर नौकरी करती थी और बाबा साहब अम्बेडकर जी का वो सुना था मैं कि जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। आज एक शिक्षक के पीछे लड़ना कोई मामूली बात है, मैंने लड़ी तो मुझे सस्पेंड किया तब भी मैं हार नहीं मानी, मुझे टर्मिनेट किया तब भी हार नहीं मानी। मैंने उनसे कहा ये तुम्हारा अधिकार था, आपने मुझे सस्पेंड किया और टर्मिनेट किया, बहुत अच्छी बात है, अब मेरा भी कमाल देखो कि मैं क्या करती हूँ। वो बोलते खड़े हो जाओ,
मैं मेरी कोर्ट कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि कोर्ट में जो बैठे हैं न्यायाधीश न्यायपति, हम लोग उनको न्यायमूर्ति बोलते हैं, लेकिन क्या वो हमको सही न्याय देते हैं? नहीं देते हैं। यदि बंधकों की फाइल जाती तो वो मुझे कब से टर्मिनेट करते हो, सब कुछ करते और आदमी जिंदा भी नहीं होती। आज जो आपके सामने जीवित दिखती हूँ केवल एक बुद्ध के धम्म से और बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से। तो मैं ये चाह रही कि आप लोग इतने लोग है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम लोग ऐसे हाथ करके संविधान की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं पर नहीं चलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों, आज ये कारवा देख रहे हो, इसे मैं बड़ी त्याग तपस्या और बलिदान के साथ यहाँ तक लाया हूँ, ये कि आप इसको बड़ा सके सको तो बढ़ाना, लेकिन पीछे नहीं जाने देना। आप स्वयं है अपने क्या हाथ रखकर बोलो, क्या हम लोग आगे बढ़ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ गए, पीछे ही जाने दिए। तो इसलिए हम कौन से भगवान बुद्ध का धर्म मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात मानते हैं? अंधकार को त्यागो और चलो धर्म की ओर, क्योंकि धर्म ही हमको सब कुछ देगा। धर्म है तो संविधान है और संविधान है तो धर्म है। तो इसलिए धर्म की बात करो, भीतर बाहर स्वच्छ हो, भीतर बाहर स्वच्छ हो, करे स्वच्छ व्यवहार, सत्य प्रेम करुणा जगे, यही धर्म का सार, यही धर्म का सार। बोधि जगे प्रज्ञा जगे, जगे धर्म का ज्ञान, मिटे अंधेरा पाप का, दूर होए अज्ञान। ये महापुरुषों की भूमि है, सद्गुरु का देश, और इसके कणकण में भरा है करुणा का संदेश, करुणा का संदेश, करुणा का संदेश। हमारा मन दूसरों के लिए शांति मैत्री और करुणा से भरा होना चाहिए। जिसका मन शांत होगा, मैत्री होगी, करुणा होगी, तो सब कुछ करेगा। आज लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, बस उनके पास एक ही बात है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि शिक्षित बनो ज्ञान के लिए, संगठित रहो उत्थान के लिए और संघर्ष करो स्वाभिमान के लिए। अपने स्वाभिमान और न्यायिक मांगों के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए, किसी की भी दमनकारी नीतियों के सामने नहीं झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए, नहीं झुकना चाहिए। मैं तो आप लोगों को यही बात बोलूंगी, आज से ही बुद्ध बुद्ध क्या होता, उनका धर्म क्या होता, केवल आचरण में उतारने की बात करो, केवल आचरण में उतर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब मैं भी ज्यादा समय नहीं लेंगी, और आज जैसे अभी मैं नागपुर गई थी, नागपुर में भी कार्यक्रम था, तो बाहर के लोग आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुनिया है, तो इनके क्या कार्य होना चाहिए और धर्म कैसे पतन भी हो जाएगा। मैंने कहा आप लोग सब गलत बोल रहे हो, या जितने भी बैठे हो सब गलत बोल रहे हैं। हम लोग पतन की ओर जाएंगे, लेकिन बुद्ध का धर्म अनंत काल तक है, वो कभी पतन की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि बुद्ध वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक का धर्म कैसे हो सकता है। आज आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, इतना राजकुमार थे, राजा का बेटा था, राज पाठ ठाट वैभव छोड़ा, सुंदर पत्नी यशोधरा को छोड़ा और वो निकल गए। और आज हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारा धन कैसे आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, और हम अमीर कैसे हो जाएंगे, ये सोचते हैं। इसलिए इसलिए हम लोग पतन की ओर जा रहे हैं। नहीं तो आज दुनिया का धर्म, आज जैनियों के देखो, आज उनके जैन मुनि हो जाएंगे और वो बोलेंगे तो वो उनके उपासकों की कोई हिम्मत नहीं होती है। मैं अपने बारे में सोचती हूँ, मुझे लोग बात बोलते, अरे वो वत्सला राउत तो थी, नौकरी करती थी, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि 8 वर्ष की नौकरी छोड़कर ये धर्म अपनाया और बौद्ध गया में जाकर मैंने उपसंपदा लिया है। वो नहीं सोचते, बस वत्सला राउत थी, वो तो बड़बड़ करती।
कभी ये नहीं सोचा कि वो धर्म की अच्छी बातें करती है। तीन तीन पुस्तकें लिखी वो, और तीनों पुस्तकों में केवल मैं विपश्यना की बात करी, प्रकृति की बात करी। और अभी मैं और आप जोड़कर निवेदन करती हूँ आप लोगों का, लोग जो विपश्यना का विरोध करते हैं वे तथागत स्वामी संबुद्ध का विरोध करते हैं, और राजनीति का विरोध करते हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का विरोध करते हैं। तो ये नहीं बोलना चाहिए, उपासकों को पैसे की भी आवश्यकता है, यदि उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो अपना घर बार कैसे चलाएंगे। तो धर्मवान व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो समाज का कल्याण होता है, और अनेक लोग धर्म का आचरण करने लग जाए तो समाज में सुख एवं शांति फैलने लगेगी। तो हमारे समाज में सुख एवं शांति आना चाहिए, इसलिए धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, निवेदन करती हूँ धर्म का आचरण करो। धर्म का आचरण करोगे तो अपने आप में तुम्हें इतनी शक्ति आएगी, इतनी शक्ति आएगी, इतना बल मिलेगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। क्योंकि मैंने भोपाल के चीफ सेक्रेटरी, ये भी चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश का पूरा मालिक होता है, लेकिन मैंने उनसे कहा था यदि किसी निर्दोष महिला को या निर्दोष पुरुष को सताओगे तो प्रगति का ऐसा कोप पड़ेगा, आप विध्वंस हो जाओगे, आप कहीं से नहीं रहोगे, आप और एक बार विचार करो। तो उसका भला हो, उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया और कुछ बोला भी नहीं, और बल्कि मुझे ना हाई कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट गई, उसी के दिन दूसरे तीसरे दिन मुझे पकड़ने दिया, फिर नौकरी करी मैं, टर्मिनेट के सस्पेंड के मुझे 4-5 लाख रुपए दिए थे, और फिर मैं नौकरी की, और फिर मैं 1-2 साल करी कई तक नौकरी, और फिर छोड़ दिया था। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप केवल धर्म धर्म और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, केवल संविधान की बात करो, बाकी दूसरी कुछ भी बात नहीं करो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारा संसार सुखी हो, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। यदि भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा तो हमारा कल्याण होगा। लोग बोलते भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत हो गई है, अरे क्या होता है हो गई तो, हम यदि मजबूती से काम करेंगे तो वह जड़े भी टूट जाएगी, लेकिन हम मजबूती से करते ही नहीं है तो कैसे होगा। इच्छितं पतितं तुहं क्षिपमेव समीचरतु सर्वे पुरेन्दुचित संकपा चन्दोपन्यरुषेयथा। आपकी चाही हुई व मांगी गई सभी वस्तुएं आपको शीघ्र प्राप्त हो, आपके चित्त के सभी संकल्प पूर्णिमा के चंद्रमा के समान पूरे हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। सबे उठा बलपता पचे कानन से बला अहम तानन से तेजेन रथम गंगामी सबसो। सभी प्रकार बल प्राप्त बुद्धो प्रत्येक बुद्धों के बल से और सारे विश्व के अरहंत के तेज से आपका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। आयु आरोग्य संपत्ति सद संपत्ति में वच तत्व निर्वाण संपत्ति इन्हीं नाते समीच हो। तुम्हें दीर्घायु संपत्ति प्राप्त हो, आरोग्य संपत्ति प्राप्त हो, और स्वर्ग में जितनी धन संपत्ति है उससे कई गुना ज्ञान संपत्ति प्राप्त हो, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो। बुद्ध धम्म संघ सदा आपकी रक्षा करे, मंगल हो, मंगल हो।